दोस्तों, अगर आप थकान महसूस करते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी बुझी बुझी सी है और आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, आपको लगता है आंखों के सामने अंधेरा आता है, आपके कमर में दर्द है, या फिर आपको लगता है कि आपका फैट कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आज मैं आपको कुछ थोड़े से ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिन पर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इन चीज़ों से आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं और इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपको दबाना है उसके बगल वाला घंटी का बटन ताकि आपको हमारे ताज़ा अपडेट्स मिल जाएं। दोस्तों, मैं एकदम नया है हमारा चैनल, तो इसे ग्रो करने के लिए प्लीज़ मदद करें, इसे अपना सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर दिन आपको कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ें लाकर दे सकूं, बना सकूं आपके लिए, मेरा जो मनोबल है वो बढ़े। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ऐसे घरेलू उपाय जो आपके शरीर को बना देंगे फौलाद। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको इनका असर दिखने लगेगा और आपको लगेगा कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। तो आज के इस एपिसोड में आयुर्वेदिक चीज़ें जो कि आप बिल्कुल नेचुरली अपने घर में पा सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। आप अपने शरीर में थकान अगर आपको होती है, आपको बहुत वीकनेस फील होती है, तो आपको फटाफट से एनर्जी के लिए चाहिए लेमन। आप नींबू को यूज़ करिए, इससे आपके शरीर में नई स्फूर्ति पैदा होगी। आप नमक, चीनी और नींबू के साथ आप घोल बनाकर पी सकते हैं। दूसरी चीज़, आप केला ज़रूर इस्तेमाल करिए। केला में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है और केला खाने से आपकी यौन दुर्बलता भी ख़त्म हो जाती है और आपको बहुत अच्छी ताकत मिलती है। तो दोस्तों, खाली पेट अगर आप केला खा रहे हैं तो मत खाइए, लेकिन कुछ खाने के बाद, कोई नट्स सीड्स लेने के बाद आप इस केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में बहुत अधिक ताकत बढ़ जाएगी। तो आज का आयुर्वेदिक पौधा है तुलसी। तुलसी का हर अंग फायदेमंद है और तुलसी हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। तो इस आयुर्वेदिक पौधे का इस्तेमाल करिए। ये आपके शारीरिक दौर्बल्य को भी तो ख़त्म करता ही है, साथ ही आपका वीर्य बढ़ाएगा, बल बढ़ाएगा और आप में खून की वृद्धि बढ़ हो जाएगी। तो ये जो तुलसी का पिसा हुआ बीज है, इसको सादे या फिर कत्था लगे हुए पान के साथ चबा कर खाएंगे तो आपके पौरुष में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल आप रगड़ कर, नॉर्मल थकान अगर आपको है तो खा सकते हैं। चाय के अंदर आप तुलसी की मंजरी और पत्ते को पीस कर डाल सकते हैं या इसका अर्क बनाकर 2 चम्मच अर्क ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मुनक्का अगर आप 60 ग्राम ले लेते हैं और उसे 12 घंटे भिगाते हैं, इसको खा लेते हैं, तो आपके पेट के रोग दूर हो जाते हैं, आपका खून भी बढ़ेगा, आपका वीर्य भी बढ़ेगा। और आप मुनक्का को धीरे धीरे बढ़ाइए अपने डाइट में। ये कम से कम 200 ग्राम तक आप ले सकते हैं। मुनक्का को गर्म पानी में रात भर भिगो कर छोड़ दीजिए। सुबह आपको पानी के साथ इसको पीना है और इसके दानों को खोल लेना है। इस तरह से आपकी शारीरिक कमजोरी एकदम ठीक हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना नहीं भूलना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।